गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अनिल के शर्मा। वेलकम टू ओरेकल टेक इंडिया। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के बारे में जानेंगे। तो जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर ले। तो चलिए समझते हैं कि डेटाबेस में फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या है। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो है, किसी भी टेबल को अगर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो टेबल जो है सबसे पहले बॉयसीकॉट नॉर्मल फॉर्म या BCNF में कन्वर्ट होना चाहिए। तो ए रिलेशन मस्ट बी इन बॉयसीकॉट नॉर्मल फॉर्म और BCNF। तो अगर आप किसी भी टेबल को फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पहली कंडीशन जो है किसी भी टेबल को फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की, वो ये है कि वो टेबल जो है बॉयसीकॉट नॉर्मल फॉर्म या फिर BCNF में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी उस टेबल को आप फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये तो कंडीशन थी कि टेबल को फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसे पहले बॉयसीकॉट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब समझते हैं कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या है। तो जो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है, इट इज बेस्ड ऑन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो है वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के ऊपर बेस्ड है। दैट मीन्स कि लेट सपोज कि ए कोई एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम नेम। तो ए कोई एट्रीब्यूट है, कोई कॉलम नेम है जो मल्टी डिटरमिन कर रहा है बी एट्रीब्यूट्स को, और वही ए एट्रीब्यूट, ए कॉलम जो है मल्टी डिटरमिन कर रहा है सी एट्रीब्यूट्स को, देन वी हैव ए सिंगल एट्रीब्यूट ए। तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास वो जो सिंगल एट्रीब्यूट ए है जो मल्टी डिटरमिन कर रहा है बी एट्रीब्यूट्स को और सी एट्रीब्यूट्स को, तो वो सिंगल एट्रीब्यूट ए को हम कह सकते हैं कि वो एक सुपर की एट्रीब्यूट है, वो एक सुपर की वाला कॉलम है जो मल्टी डिटरमिन करता है टू अदर इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स को, जो मल्टी डिटरमिन करता है दो अलग अलग इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स को, अलग अलग इंडिपेंडेंट कॉलम्स को, और वो दो इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट या कॉलम्स जो है बी और सी हो सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग टेबल इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, इसलिए जो टेबल है उसको फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए रिमूव मोर देन वन इंडिपेंडेंट मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी फ्रॉम रिलेशन बाय स्प्लिटिंग रिलेशन। तो हमें क्या करना है कि वो एट्रीब्यूट यानी कि ए जो सुपर की वाला एट्रीब्यूट है वो मल्टी डिटरमिन कर रहा है दो अलग अलग इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट को, तो वो इंडिपेंडेंट मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी वाला जो एट्रीब्यूट है, कॉलम है, उसको टेबल से रिमूव करना पड़ेगा। और उसको रिमूव करने के लिए टेबल को जो है स्प्लिट करना पड़ेगा, टेबल को डीकम्पोज करना पड़ेगा मोर देन वन टेबल्स में। तो नीचे हमारे पास एक टेबल है, स्टूडेंट नाम का टेबल है, और इस स्टूडेंट नाम के टेबल में तीन कॉलम्स है, तीन एट्रीब्यूट है। तो इस टेबल में समझते हैं कि कौन सा सुपर की वाला कॉलम है और कौन से दो इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स या इंडिपेंडेंट जो है कॉलम्स है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी वाले कॉलम में जो स्टूडेंट आईडी है वो 11 है, 11 है, 12 है, 13 है और 14th है। कोर्स वाले कॉलम में जो है कंप्यूटर, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स है, और हॉबी वाले में डांसिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग, क्रिकेट और हॉकी है। तो इस टेबल में जिस स्टूडेंट की स्टूडेंट आईडी 11 है उसने
कंप्यूटर का कोर्स लिया हुआ है, उसने कंप्यूटर का सब्जेक्ट लिया हुआ है और उसकी जो हॉबी है वो डांसिंग है। फिर उसी सेम स्टूडेंट ने, जिसका स्टूडेंट आईडी जो है 11 है, उसी सेम स्टूडेंट ने एक और कोर्स लिया हुआ है, एक और सब्जेक्ट लिया हुआ है और वो है मैथ का सब्जेक्ट, और उसकी जो हॉबी है वो अगेन डांसिंग ही है। यहाँ पे मतलब सेम स्टूडेंट वाले ने दो अलग-अलग कोर्स लिए हैं और उस सेम स्टूडेंट वाले की हॉबी जो है डांसिंग है, लेकिन यहाँ पे डांसिंग जो है हॉबी में दो बार आया है। तो यहाँ पे जो है ये दो बार नहीं आना चाहिए, इसी को डेटा का डुप्लीकेशन बोलते हैं। तो इसको और आगे समझते हैं अच्छे से। तो स्टूडेंट आईडी 12 वाले ने केमिस्ट्री का कोर्स लिया हुआ है, हॉबी उसकी सिंगिंग है। 13 वाले ने केमिस्ट्री सॉरी बायोलॉजी का कोर्स लिया हुआ है, हॉबी उसकी क्रिकेट है। 14th वाले ने फिजिक्स का कोर्स लिया है, हॉबी उसकी जो है हॉकी है। अब इस टेबल में समझते हैं कि सुपर की वाला कॉलम कौन सा है और दो अलग अलग इंडिपेंडेंट कॉलम्स कौन कौन से हैं, और फिर उन दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट वाले कॉलम्स को रिमूव करके जो है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में टेबल को कन्वर्ट करना है, जो कि हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पे तो टेबल स्टूडेंट जो है, द स्टूडेंट टेबल इज इन थर्ड एनएफ। जो स्टूडेंट टेबल है वो थर्ड एनएफ में ऑलरेडी है, और ये स्टूडेंट वाला टेबल जो है ये ऑलरेडी बॉयसी कॉड नॉर्मल फॉर्म में भी ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है। बट द कोर्स एंड हॉबी आर टू इंडिपेंडेंट एंटिटी। तो ऊपर स्टूडेंट टेबल में जो कोर्स कॉलम है और हॉबी वाला जो कॉलम है, ये दोनों ही कॉलम्स जो है इंडिपेंडेंट एंटिटी है, टू इंडिपेंडेंट एंटिटी है। मतलब ये दोनों ही कॉलम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट कॉलम्स है। मतलब हॉबी कॉलम जो है वो कोर्स कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और कोर्स कॉलम जो है वो हॉबी कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कोर्स और हॉबी कॉलम जो है ये दोनों ही इंडिपेंडेंट कॉलम्स है। इसलिए हैंस देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन कोर्स एंड हॉबी। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोर्स और हॉबी कॉलम्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो इन द स्टूडेंट टेबल ए स्टूडेंट विद स्टूडेंट आईडी 11 कंटेन्स टू कोर्सेस कंप्यूटर एंड मैथ एंड टू सेम हॉबीज डांसिंग। तो ऊपर जो हमारे पास स्टूडेंट आईडी है जिसकी आईडी 11 है, तो उस 11 आईडी वाले स्टूडेंट ने दो कोर्स लिया हुआ है, कंप्यूटर और मैथ्स। तो दो कोर्सेस उसने ले रखे हैं, कंप्यूटर और मैथ, और उसकी दो हॉबी है। दोनों ही हॉबी उसकी सेम है, यानी कि यहाँ भी डांसिंग है और यहाँ डांसिंग है। सो देर इज ए मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ऑन स्टूडेंट आईडी विच लीड्स टू अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ डेटा लाइक डांसिंग विच हैज कम टू टाइम्स इन कॉलम हॉबी फॉर द सेम स्टूडेंट आईडी। तो ऊपर जो स्टूडेंट आईडी 11 है, ये इसके ऊपर इस दो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है, यानी कि यहाँ पे हॉबी वाला एक डांसिंग वाली वैल्यू जो है ये स्टूडेंट आईडी 11 के ऊपर डिपेंडेंट है, और अगेन यहाँ पे जो डांसिंग है ये डांसिंग वाली वैल्यू अगेन स्टूडेंट आईडी 11 पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे दो बार जो है हॉबी वाले कॉलम में डांसिंग जो है सेम स्टूडेंट आईडी के लिए डांसिंग जो है वैल्यू दो बार आया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 11 स्टूडेंट आईडी ने मल्टी डिफाइन किया है, यानी कि मल्टी डिटरमिन किया है दो सेम वैल्यू को, यानी कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी जो है वो स्टूडेंट आईडी
11 पे है, और ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी जो स्टूडेंट आईडी 11 पे है, ये अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ डेटा यहाँ पे क्रिएट, अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ डेटा जो है यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। दैट मीन्स डांसिंग यहाँ पे दो बार आया है, तो ये सेम स्टूडेंट आईडी के लिए डांसिंग जो है दो बार नहीं आना चाहिए था, तो यहाँ पे ये जो है डेटा का डुप्लीकेशन है। तो इस तरीके से हम जो है कह सकते हैं कि ये टेबल जो है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो इसको जो है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए जो है मोर देन वन इंडिपेंडेंट मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी जो है उसको इस टेबल से रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसको कैसे रिमूव करना है। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, और ये जो स्टूडेंट टेबल है ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्टेड नहीं है। तो बेसिकली इस स्लाइड में हम देखेंगे कि इस स्टूडेंट टेबल को फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया है कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो है वो बेस्ड है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी पे। दैट मीन्स कि स्टूडेंट टेबल में एक सुपर की वाला कॉलम है, और वो सुपर की वाला कॉलम जो है मल्टी डिटरमिन कर रहा है दो इंडिपेंडेंट कॉलम्स को, और वो दो इंडिपेंडेंट कॉलम्स जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और उस स्टूडेंट टेबल को फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है, तो उस स्टूडेंट टेबल से जो है दो इंडिपेंडेंट कॉलम्स में से एक इंडिपेंडेंट कॉलम्स को हटा करके दूसरे टेबल्स में डालना पड़ेगा, तभी स्टूडेंट टेबल जो है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगी। तो बेसिकली उसी चीज को हम इस स्लाइड में समझेंगे। तो यहाँ पे जो है इन ऑर्डर टू ब्रिंग एबव टेबल स्टूडेंट इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, तो ऊपर वाले स्टूडेंट टेबल को फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, वी कैन डीकम्पोज इट इनटू टू टेबल्स। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट टेबल को डीकम्पोज कर सकते हैं दो अलग अलग टेबल्स में, यानी कि स्टूडेंट टेबल को दो अलग अलग टेबल्स में इसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि कोर्स और हॉबी कॉलम जो है ये दोनों ही इंडिपेंडेंट कॉलम्स है। तो दो अलग अलग टेबल्स में स्टूडेंट टेबल को तोड़ने के बाद एक इंडिपेंडेंट कॉलम्स एक टेबल में चला जाएगा, और दूसरा इंडिपेंडेंट कॉलम्स जो है वो दूसरे टेबल में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दो टेबल्स बनाए हैं, एक टेबल का नाम रखा है मैंने स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स, और दूसरे टेबल का नाम है यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर हॉबी। तो मैंने स्टूडेंट टेबल से जो है स्टूडेंट आईडी वाला पूरा का पूरा एक कॉलम ले लिया स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स कोर्स टेबल में, और स्टूडेंट टेबल में से एक इंडिपेंडेंट कॉलम यानी कि कोर्स वाले कॉलम को भी मैंने यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स वाले टेबल में ले लिया। तो ये स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स में हमारे पास दो कॉलम्स है, स्टूडेंट आईडी और कोर्स कॉलम। उसके बाद दूसरा जो टेबल है स्टूडेंट अंडरस्कोर हॉबी, वो मैंने स्टूडेंट स्टूडेंट टेबल में से स्टूडेंट आईडी वाला पूरा कॉलम ले लिया, और स्टूडेंट टेबल में से हॉबी दूसरा जो इंडिपेंडेंट कॉलम है उसको मैंने ले लिया, और लेने के बाद स्टूडेंट टेबल को मैंने फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम इसमें क्या देखते हैं कि स्टूडेंट टेबल में ऊपर जो स्टूडेंट आईडी 11 है उसकी हॉबी रिपीट हो रही है, डांसिंग और डांसिंग ये वैल्यू दो बार आ रही है, यानी कि सेम स्टूडेंट आईडी पे दो वैल्यू डिपेंडेंट है। इसी को बोलते हैं कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो नीचे वाले टेबल में जो है अब डांसिंग वाली वैल्यू जो है वो स्टूडेंट आईडी 11 पे दो बार नहीं आ रही है। तो जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो टेबल है स्टूडेंट टेबल जो है वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है।
तो जो है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म का ये वीडियो लेक्चर मेरा यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को करेंगे, तो वो जो है नॉर्मलाइजेशन का जो है लास्ट टॉपिक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।